गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले टर्म में पिछले वीडियो में आपको पादप कोशिका का नामांकित चित्र और कोशिकांगों के बारे में बताया गया, जिसमें जीव द्रव्य के भौतिक लक्षण, जीव द्रव्य के रासायनिक लक्षण, साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर, कोशिका सिद्धांत और जंतु और पादप में अंतर, जीव द्रव्य के भाग, कोशिका द्रव्य, ये सब आपको बताया गया। साथ ही साथ पादप कोशिका का नामांकित चित्र भी आपको इसमें बताया गया था बोर्ड में। तो अब पादप कोशिका के जो विभिन्न अंग होते हैं, जैसे बातचीत नहीं करूंगा, चलो इस तरीके से ये एक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो आज आपको जो है माइटोकांड्रिया के बारे में हम बताएंगे कि माइटोकांड्रिया है क्या चीज। माइटोकांड्रिया सभी जीवों में पाई जाती है, लेकिन कुछ कुछ होकर कुछ में आते हैं जीवाणु तथा हरे नीले शैवाल। इनको अगर हटा दिया जाए तो ये दो जीव संसार में ऐसे हैं जिनमें माइटोकांड्रिया एब्सेंट नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त संसार में जितने भी जीव हैं उन सब में माइटोकांड्रिया पाई जाती है। तो सन 1950 में कोलिकर एक साइंटिस्ट थे, कोलिकर जो साइंटिस्ट थे सन 1950 में इसकी खोज की और माइटोकांड और अल्टमैन ने सन 1890 में इसे माइटोकांड्रिया नाम। देखिए ये जो कोशिका का जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि इसे कहा जाता है पावर हाउस। पावर हाउस भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके द्वारा ऊर्जा बनती है और ऊर्जा बन करके इसी में स्टोर होती है और उसी ऊर्जा के द्वारा फिर
कोशिका अपने सारे कार्य करती है, इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। तो जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों को छोड़कर सभी जीवों में ये पाई जाती है, वो पाया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे दोहरी झिल्ली से बनी रचना होती है, इस तरह से देखिए ये माइक्रोबायस ये दोहरी झिल्ली से बनी रचना होती है और इसमें जो ये अलग से रचना होती है जिसे कहा जाता है F1 पार्ट के, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसे क्रिस्टी बोलते हैं, ये डीएनए है, मैट्रिक्स, आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर। तो इस तरीके से ये रचना होती है। इसमें जो F1 पार्टिकल होता है इसी में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है और ये उंगली के आकार में जो रचना होती है क्रिस्टी, यही महत्वपूर्ण होती है। और इसमें इसका मुख्य कार्य होता है, इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और उस ऑक्सीकरण से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वो क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवर्तन तथा फास्फेटीकरण के अंतर्गत होती है। तीन प्रक्रियाएं होती है, पहला है क्रेब चक्र, दूसरा है इलेक्ट्रॉन
परिवहन तंत्र और तीसरा है फास्फेटीकरण। ये तीन प्रक्रियाएं होती है, तीन प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका लवक, इसको कल बताएंगे।